मुख्यमंत्री, कांग्रेस के युवा नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का आज 43वां जन्मदिन है। इस मौके पर सीएम गहलोत ने भी बेटे वैभव को जन्मदिन का आशीर्वाद दिया और हार्दिक शुभकामनाएं देकर उनकी उत्तरोत्तर उन्नति की कामना की। इस मौके पर वैभव ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया, तो वहीं आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सुबह से जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही है। युवा कांग्रेस नेता वैभव गहलोत का जन्मदिन। वैभव गहलोत का 43वां जन्मदिन 2 जून 1980 को जोधपुर में हुआ जन्म। दो जून 1980 को जन्मे वैभव गहलोत सरल स्वभाव के हैं। खास बात ये भी है कि वैभव को अपने पिता अशोक गहलोत की तरह लो प्रोफाइल रहकर अपना काम करना पसंद है। उनका जुड़ाव कांग्रेस की रीति नीति और संगठन के कार्यों से है। 2006 में युवा कांग्रेस से जुड़े थे वैभव गहलोत। 2010 में नादवारा क्षेत्र से प्रदेश कांग्रेस सदस्य बने। 2014 में प्रदेश कांग्रेस महासचिव बने। 2019 में पिता की सीट से ही लोकसभा के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिला। तब से वैभव लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। AICC के सदस्य के नाते भी वैभव अहम भूमिका निभा रहे हैं। वैभव को युवा कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना अच्छा लगता है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से वे सतत जुड़े हैं। यूथ और नई जनरेशन के कार्यकर्ताओं में वैभव की अच्छी पकड़ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि वैभव गहलोत युवा संगठन और पार्टी की नीतियों को ऊंचाइयां दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र की BJP सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने में भी वैभव अग्रसर हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर वैभव ने BJP के खिलाफ आवाज उठाई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार की तानाशाही और भाजपा की साजिश के खिलाफ जयपुर में विरोध प्रदर्शन और राजभवन घेराव किया, तो वैभव भी वहाँ मौजूद रहे। तब वैभव ने कहा था कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता BJP की केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ खड़ा है। इसके साथ ही गृहनगर जोधपुर, राजधानी जयपुर के साथ संपूर्ण राजस्थान के विकास के लिए वैभव गहलोत लगातार कार्य कर रहे हैं। राजस्थान में आधारभूत ढांचे को विकसित करना उनका लक्ष्य रहा है, तो RCA चेयरमैन के नाते उनके प्रयासों से राजस्थान क्रिकेट को संजीवनी मिली। यही कारण रहा कि लंबे अरसे बाद जयपुर में IPL की वापसी हुई और क्रिकेट प्रेमियों ने IPL मैच का आनंद लिया। इसी कड़ी में ही वैभव गहलोत के प्रयास से राजस्थान क्रिकेट को ऊंचाइयां मिल रही हैं। जयपुर में दिल्ली रोड पर स्थित चौक गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम 300 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इस स्टेडियम को अनिल अग्रवाल के नाम से जाना जाएगा। स्टेडियम में बैठक क्षमता 75,000 दर्शकों की होगी। इस स्टेडियम के बनने से यहां इंटरनेशनल क्रिकेट मैच और IPL मैचों की मेजबानी करने के ज्यादा अवसर मिलेंगे और फिर दुनिया भर में राजस्थान की पहचान और बढ़ेगी। पार्टी के कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद वैभव गहलोत अपने परिवार के साथ समय जरूर बिताते हैं और उनकी धर्म कर्म में भी आस्था है। मुख्यमंत्री आवास के अम्बे माता मंदिर में पूजन में भी वे भाग लेते हैं, तो वैभव गहलोत ने असम की माँ कामाख्या मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया है। जोधपुर से गिरीश दादीज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।